शुक्रिया जसवीर। और अब बात करेंगे आज बड़ी खबरों की, और उससे पहले आपको बता दें इस वक्त की एक बड़ी खबर। लंदन पहुंचे हैं यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यूपी के डिफेंस कॉरिडोर में निवेशकों को करेंगे आमंत्रित। लंदन एयरपोर्ट पर सतीश महाना का स्वागत हुआ है। डिफेंस सिक्योरिटी इक्विपमेंट इंटरनेशनल में हिस्सा लेंगे। 10 से 13 सितंबर तक चलेगा डिफेंस सिक्योरिटी इक्विपमेंट इंटरनेशनल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कई कंपनियों के साथ होगी मुलाकात। यूपी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल भी है साथ। निवेशकों के साथ प्रवासी भारतीयों से भी करेंगे मुलाकात। यूपी मूल के लोगों ने महाना के सम्मान में कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया है। बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं, लंदन पहुंचे यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना। नमस्कार। अपने प्रवासी भारतीय जो विश्व भर के अंतर्गत भारत की शान बढ़ाने में लगे हैं, उनके लिए एक संदेश है कि मैं लंदन 10 तारीख से लेकर 13 तारीख तक रहने वाला हूँ। भारतवर्ष एक नए प्रगतिशील भारत के रूप में पूरे विश्व में विख्यात हो रहा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनका विजन, उनका देश के प्रति समर्पण, उनका व्यक्तित्व पूरे दुनिया भर के अंतर्गत छाया हुआ है। भारत को एक नए आयाम तक पहुंचाने के लिए नई शुरुआत हुई है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया, मेक इन इंडिया फॉर होल ऑफ द वर्ल्ड, ये एक कंसेप्ट है। उस कंसेप्ट में उत्तर प्रदेश बहुत सफलतापूर्वक हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश लगभग 23 करोड़ जनमानस का एक क्षेत्र है, एक पोटेंशियल मार्केट है। उस नाते से उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए देश और दुनिया से बहुत सारे लोग आ रहे हैं। मेरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश भारत की प्रगति के साथ एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगा। मेरे सारे मित्रों से निवेदन है कि लंदन प्रवास के दौरान आपसे बातचीत हो, आपका हिंदुस्तान के प्रति प्रेम और स्नेह, आपका हिंदुस्तान के प्रति आकर्षण, और आपका पुनः इस देश के अंतर्गत अपना इन्वेस्टमेंट करके एक नया इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने में आपका सहयोग और साथ के लिए मैं अपील करता हूं। मेरे लंदन प्रवास के दौरान आप लोगों से व्यक्तिगत भेंट भी होगी और बातचीत भी होगी, जो हमारे देश को उन ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा जिन ऊंचाइयों पर विश्व में विश्व गुरु के स्थान के ऊपर भारतवर्ष कहा जाता था। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।